पंकज के साथियों को एक एक करके पदोन्नत किया गया था। उसने ना चाहते हुए भी थोड़ी ईर्ष्या महसूस की। उसके दोस्तों ने उससे कहा, आप अभी तक मैनेजर कैसे नहीं हैं? आप इसके लायक हैं। लेकिन पंकज ने अपना करियर, जीविका परमेश्वर पर छोड़ने का फैसला किया और जवाब दिया, अगर ये मेरे लिए परमेश्वर की योजना है तो मैं अपना काम अच्छी तरह से करूंगा। कई साल बाद पंकज को आखिरकार पदोन्नत कर दिया गया। तब तक उसके अतिरिक्त अनुभव ने उसे आत्मविश्वास से अपना काम करने में सक्षम बना दिया और उसे अपने अधीन काम करने वालों का सम्मान मिला। इस बीच उसके कुछ साथी अभी भी अपनी जिम्मेदारियों से जूझ रहे थे, क्योंकि वे तैयार होने से पहले ही पदोन्नत हो चुके थे। पंकज ने महसूस किया कि परमेश्वर उसे लंबे मार्ग से ले गया था ताकि वो अपनी भूमिका के लिए बेहतर तैयार हो सके। बाइबल में लिखा है, हर एक बात का अपना एक समय होता है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर से होनी चाहिए कि वो हमें अपनी योजना और उद्देश्य में विश्वास करने के लिए धैर्य प्रदान करें।